नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो छठ महापर्व की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में छठ महापर्व में जो भी प्रसाद बनता है या फिर जो भी पूजा की विधि होती है वो काफ़ी खास होती है और बहुत बारीकी से हर एक काम को किया जाता है। ऐसे में अगर बात कर लिया जाए प्रसाद बनाने की, तो शुद्ध जो मिट्टी का चूल्हा होता है उस पर प्रसाद बनाकर तैयार किया जाता है। ऐसे में बाज़ारों की अगर बात करें तो बाज़ारों में मिट्टी का चूल्हा अभी से ही बिकने लगा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिलहाल RPS मोड़ की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के चूल्हे के दुकान जो हैं वो पूरे बाज़ारों में सज गए हैं। पूरी तरीके से मिट्टी का जो चूल्हा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और अलग अलग साइज़ के भी चूल्हे आते हैं क्योंकि जो छठ व्रतियाँ होती हैं, जो छठ में प्रसाद बनाए जाते हैं, नहाए खाए हो, खरना हो या फिर पहली अर्ध हो या फिर सुबह की अर्ध हो, तो ऐसे में प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाए जाते हैं। तो मिट्टी का चूल्हा खास होता है और इस पर ही प्रसाद बनाकर तैयार किया जाता है। ऐसे में बाज़ारों में तो रौनक देखने को मिल रही है, छठ की खरीदारी लोगों ने शुरू कर दी है। तो छठ में जो चूल्हा मिलता है इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। भैया, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो चूल्हा है जो छठ में इस्तेमाल होता है, जिस पर व्रतियां खाना बनाती हैं, ये एक चूल्हा कितने का आता है? ये 180-90 का भी बिकता है। 80-90 का जो छोटा हुआ वो सब साइज का है। ठीक है, ये 90 का है, ये 100 का हो गया। लोगों की भीड़ आनी शुरू हो? हाँ, अब बाज़ार लग गया, अब थोड़ा बहुत आ ही रहे हैं। कल परसों से आना स्टार्ट और होगा, भीड़ चलेगा। कल परसों से और ज़्यादा आते हैं, आए के दिन से ज़्यादा बिक्री चालू हो जाती है। तो चूल्हा जो बिकता है हर साल ही आप यहाँ पर? जी जी, हर साल लगाते हैं। तो भीड़ भी आती है? हाँ, भीड़ आती है, हम लोग का बस्ता नहीं है, 100-150 चूल्हा लाते हैं, बिक जाता है सब। खुद से बनाते हैं? नहीं नहीं, हम लोग खरीद के लाते हैं। ये बताइए, खरीद कर लाते हैं ये चूल्हे, महत्व होता है काफी ज्यादा? बहुत ज्यादा है, बहुत महत्व है चूल्हा का। क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, तो छठ व्रतियाँ जो हैं या उनके परिवार के लोग हैं वो आकर के लेते हैं? हाँ हाँ, सब लेते हैं, आते हैं, ले जाते हैं। तो पिछले साल में की अगर बात की जाए तो पिछले साल कितना चूल्हा आपका बिका और सबसे ज्यादा कौन सा चूल्हा बिका, क्योंकि अलग अलग? पिछले साल चूल्हा बिका था, 80 वाला बिका था 150, 100 वाला था वो 50 रुपये का था, 250 चूल्हा लाए थे वो सब बिक गया था। तो देख सकते हैं साफ तौर पर कि अलग अलग कीमत है चूल्हे की। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, जिनकी घरों में छठ का व्रत होता है, जो व्रतियां होती हैं उनके लिए ये चूल्हा लेकर जाया जाता है और काफ़ी शुद्ध माना जाता है और इसी पर खाना बनाया जाता है ये चूल्हा। और इसमें आम की लकड़ी डालकर जो खाना बनता है, जो प्रसाद बनता है, जो छठ व्रतियां ग्रहण करती हैं वो इसी चूल्हे पर बनाया जाता है। इसकी कीमत बाज़ार में कितनी है और बाज़ार में किस तरीके से हर तरफ चूल्हा आपको दिखाई देगा, क्योंकि छठ का पर्व आ चुका है, तो छठ का महापर्व मनाने के लिए और व्रतियों के लिए लोग चूल्हा खरीद रहे हैं। और चूल्हे को लेकर के क्या कुछ भैया का कहना था, कितने का चूल्हा है और बाज़ार किस तरीके से गुलजार है, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।